नोट बरसे ला तुहरे नथुनिया पर, जब हिलावेलू कमर हर मुनिया पर। ये जो गाना भैया इतना आज बजा है रात में, आज रात में कल रात में इतना बजा है कि एकदम दिल गदगद कर दिया भैया। एगो नथुनिया वाला गाना और खोखो खोला वाला गाना, एकदम कोदो कूट कर रख दिया, धुर्रम धुर्री कर दिया, समझे ना। और पवन सिंह का क्या को गाना बताइए ना महाराज हिट किया, एक ही को पुदीना वाला। उसके बाद एक कहूँ गाने का नाम हमारे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि अच्छा से बजा होगा, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जो भी पवन भैया के फैन या पवन भैया के चमचा दलाल लोग इस वीडियो को देख रहे, खास करके चमचा दलाल से ये सवाल है, जो हमेशा खेसारी राजनीति को नीचा गिराने का प्रयास करता है उन्हीं लोगों से भैया ये सवाल है, ठीक है। पवन सिंह का वो पुदीना वाला गाना बजा, उसके बाद पवन सिंह का कौन है वो गाना बजा जो गर्दा उड़ा के बजा, बताओ। शकरकंद कौनो गाना नहीं, और खेसारी लाल यादव का गाना एगो कोको कोला कोदो कूट के रख दिया है, और दूसरा में नथुनिया एकदम धुर्रम धुर्री कर दिया है। सब विरोधियों का भैया एकदम पसीना छुड़ा दिया खेसारी लाल यादव का गाना, और लगातार खेसारी लाल यादव का गाना इसी तरह बजते रहता है भैया। ये नहीं कि बजते बजते वो गाना पूरा सुपर डुपर हिट हो गया, सब सुध दिया हमने, लगातार बजता है। एगो गाना हिट हो जाने से भैया वही गाना सबका पेट चल जाएगा क्या, नहीं ना। एक बार कितना लिया होगा बेसी पर, 5 लाख, 5 लाख से ज़्यादा नहीं लिया होगा, जो मेरा राय है, जो मेरा अनुभव है, ठीक है। उसका जो कंपनी वाला कमा रहा होगा, तो एगो गाना हिट होने से कुछ होता नहीं है भैया। इधर लगातार खेसारी लाल यादव धुर्रप पर धुर्र उड़ा रहे हैं, धुर्री कर दिए, धुर्रम धुर्री उड़ा दिए। तो खेसारी लाल यादव के टक्कर में ना ही कोई था, ना है और ना ही रहेगा, बस। बाकी अपना राय दीजिए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद, आई लव यू, जय श्री राम।